उस पे हमें कैसे काम करना है वो समझाता हूँ। सबसे पहले ज्वाइंट पेन के अगर हम टाइप्स के बारे में देखें, टाइप से पहले हम एक बात और डील करना चाहते हैं कि ज्वाइंट पेन अगर हम यूएस में देखें 2.2 बिलियन पीपल्स को ज्वाइंट पेन, अगर मैं पूरे वर्ल्ड को देखूं तो 3 लाख तो बच्चे हैं जिनको ज्वाइंट पेन है और 50 बिलियन मैन और वुमेन है जिनको ज्वाइंट पेन। ये कैलकुलेशन इस मंथ इस प्रेजेंट मंथ था, आज आप चेक करके देखिए मुझे गूगल ज्वाइंट पेन में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। और इसमें भी अगर हम देखें तो 70% और 30% का रेशियो है ये वोमन सत्तर % ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम फीमेल्स के साथ है और 30% किसके साथ है। इसकी वजह कई सारी, इसकी वजह है एक प्रेगनेंसी, एक ट्रेडिशन, एक इंडियन फीमेल्स को कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ बना लेती है खुद हम क्रिएट कर देते हैं उसके सामने ट्रेडिशंस। मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब रुकने लगता है तब, ओबेसिटी, ये वजह है जिससे जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स को ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है मेंस से। अब प्रेगनेंसी एक मेजर फैक्टर है, प्रेगनेंसी अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है और उसकी अंदर एक बच्चे को पूरा का पूरा पनपना है, बच्चे ने नहीं देखना कि ये मेरी माँ है, बच्चे को अपनी हड्डियां बनानी है, उसको कैल्शियम चाहिए, अगर मदर उसकी कैल्शियम नहीं ले रही तो मदर की प्रॉब्लम। आपने एक सुना होगा एक कॉमन सा एक कहावत है, माँ अपनी बच्चे को हमेशा कभी ना कभी कह ही देती है कि तुम्हें हमने खून खून पिलाया है, दूध तो बाद में पिलाया, पहले क्या है खून पिलाया, वाकई में खून पिलाया है, क्योंकि बच्चे के अंदर जो भी न्यूट्रिशन जाता है वो कहां से जाता है, मम्मी के ब्लड से ही जाता है। अब एक एग्जांपल लीजिए कि सपोज कैल्शियम की ब्लड के अंदर कमी हो, बच्चे को कैल्शियम चाहिए ब्रेन के अंदर, यहां की बात करें तो एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमस, एक ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस, इसको आप ऐसा समझ लीजिए ये थर्मामीटर है, इसने ब्लड को चेक करना होता है कि किस चीज की कमी है। एक प्रेग्नेंट लेडी है तो उसने चेक किया देखा उसमें कैल्शियम की कमी आ गई, इमीडिएट क्या करेगा वो हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करेगा पैराथार्मोन, ये क्या करना है इसने मम्मी की हड्डी से कैल्शियम लेके ब्लड में दे देना है, मम्मी के ब्लड में,